है पीछे रिवाइव दे दो। भाई इतना ओके तो भाई आ चुके हैं फिर से एक और खतरनाक सी गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। और आज अगेन इस वाले मैच में भाई एक चाइनीज बंदा होता है जिससे हमारी फाइट काफी टाइम ऐसा होते होते रुक जाती है, लेकिन जब होती है तो भाई इतनी भयंकर फाइट होगी तुम बस देखना आखिरी में क्या होता है। बट इसी मैच में अब जैसे हम आए होते हैं एक ब्लड रेवन खुलता है, मतलब ये ब्लड रेवन फिर एक सिल्वेनस। अब मैं बोलता भाई अब और क्या है भाई तेरे पे, और भी दिखा दे कुछ, और हमें आइडिया नहीं होता ये बंदा है कौन। और फिर पोसाइडन वही फुल मैक्स। मैं बोलता भाई आखिरकार ये बंदा है क्या, हमें ही देख के दिखाया जा रहा है क्या, स्किन्स क्या कर रहा है ये, मतलब इसके हाथ में बाइजन होती है तो मैं समझ जाता हूँ भाई ये बंदा कहीं लेटने वाला है, ये आगे नहीं आने वाला। और एक और येलो मम्मी सेट यहाँ होता है, एंड भाई साहब ये देख लो भाई यहाँ पबजी में लॉबी भाई एक से खतरनाक सी लॉबी आती है, एंड उसमें भी चाइनीज बंदे आ जाते हैं ना तो भाई और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। लेकिन इसी मैच में हमारे मैच में काफ़ी सारे बंदे जो थे ऑल पे उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, आप लोग सुनो और एक मिनट ईयरफोन्स लगा लेना समझ नहीं आएगा तो। भाई सही बता दो उस लड़की गाली सुन के ना मैं और मेरे टीममेट इतना हंस रहे थे ना कि मतलब अपने इंडिया वाले बंदे यहाँ पे खेलने आए उन लोगों ने भी आके यहाँ पे ऑल चैट पर सिखाई दिया आखिरकार इनको भी गाली देना। भाई साहब पता नहीं क्या चला था, बट भाई जिस बंदे का प्लेन आया था वो था मिथिक फैशन वाला, एंड हमारी फाइट उस बंदे के भी साथ होती है। एंड अब इस मैच में एक चाइनीज बंदा था जो कि हमारे सारे इंडियन जितने भी इसमें इंडियन बंदे थे उन सबको भर ही जा रहा था, एंड बारी थी मेरे साथ फाइट होगी तो मैं भी एक इंडियन हूँ तो भाई मेरे साथ उसकी फाइट कैसी रहने वाली वो आप खुद देख रहा नीचे जाके। लेकिन उससे पहले फटाफट से जिन्होंने लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो क्योंकि 10,000 सिर्फ दूर है भाई हम 950,000 सब्सक्राइबर से, और मिलियन भी करना है कि नहीं तो जल्दी से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। एंड बंदे सामने एक और एक, हाँ हाँ दो बंदे और एक तो उड़ रहे यही था भाई साहब मैं तो डॉल बन के मस्त घूम रहा था क्योंकि उसमें फुटस्टेप नहीं जाता एंड एकदम से ये बंदा दिखता है। सोचो ये अगर मैं सीढ़ी के ऊपर से जा रहा था और ये बंदा मुंह पर निकलता तो भाई क्या ही फटती मेरी, कैसे से बंदी है। खैर इधर आते के साथ और भी बंदे हो जाते हैं, एंड ये बंदों को भी पता नहीं हम सारे ही डॉल बन के घूम रहे हैं तो हमारी फुटस्टेप नहीं जा रही उनको, एंड तभी मैं ये बंदा सामने को भागा आता है मेरे पास। नहीं लगी पीछे भाग गया, वॉल के पीछे ही है। अरे ये तो भाग रहे हैं देखो अभी जिसका किल फीड आया ये चाइनीज बंदा ना हमारे काफी सारे इंडियन बंदों को मतलब मार रहा होता है। लेकिन उतने में ही पबजी खेलने का दिक्कत ये देखो कवर में आ चुका हूँ पेड़ के पीछे हूँ मैं, फिर भी मेरे को गोली पड़ गई। मैं बोलता भाई क्या हो रहा है, लेकिन अच्छी किस्मत ये थी कि उसको पीछे से किसी और ने भर दिया, एंड भाई थी कि मेरे को टीममेट्स ने रिवाइव दिया। देखो धुआं निकलेगा उसकी क्रेट से, अभी पीछे से धुआं निकल गया उसके पीछे से। अब मैं बोलता भाई आ जाओ उसको किसी और ने भर दिया, एंड इसको भरो फटाफट से रिवाइव दो निकलते हैं यहाँ से। भाई अभी बहुत बंदे यहाँ पे बंदे दिख रहे हैं। आ भाई देखा इस डॉल का फायदा, मतलब कि आपकी फुटस्टेप जाएगी नहीं बंदों को, उसको पता भी नहीं लगे आपको भर कहां से दिया। तभी मैं एक बंदा मुझे पीछे पहाड़ी पे भी दिख जाता है, एंड ये सारे बंदे ना पूरा ही प्लान करके बैठे हैं, एंड जिसको मैंने अभी भरा था ना ये वही बंदा था, पीछे रिकॉल हो चुके हैं एंड बैठ चुके हैं आके। अब बारी थी भाई ये रेवेंज लेना आया तो भाई इनका रेवेंज लेने नहीं दे सकता मैं, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे को मार दिया तो इनका रेवेंज पूरा हो जाएगा। लेकिन इतनी आसानी से भी क्या, मैं स्मोक करता हूँ, मैं बोलता पूरा फ्लैंक करके जाने वाला हूँ, तुम संभाल लेना इनको, बस यहाँ से देखते रहना, एंड मैं अभी पूरा फ्लैंक करने वाला हूँ उन पे।
ये कब से बैठा है भाई? ये बंदा तब से हिला नहीं क्या? तब से इधर ही गेम कर रहा है। पीछे वाले मर गए ना? पीछे वाले पता नहीं है। अरे अब भाई इनमें से ना एक बंदा जंप कर रहा था, मैं जैसे उसे नॉक किया मुझे समझ आ गया था, फिर मैंने गन पीछे रख ली। लेकिन इसका जो ये दूसरा बंदा था ना भाई, इसीलिए टीम अप करने का मन नहीं करता। कभी कभी गलती से मैं मार देता हूँ, बट मैं रुक जाता हूँ भाई उस समय पे कि मुझे समझ आ जाता है कि वो बंदा टीम अप कर रहा है। लेकिन अब उतने में एक और जो इनका आखिरी बंदा था MG3 लेकर सीधे पहाड़ी पर भाग चुका होता है। एंड उसका भी पूरा प्लान था कि मेरे को जैसे तैसे वो फिनिश कर दे एंड जाके ओपन में ही कहीं लेट गया होता है। और अब बारी थी भाई उनको समझने की कि एक्शन में बंदे कर क्या आ रहे हैं। तब देख रहे उनको कहाँ ही से पकड़ के निकालता हूँ मैं, उसको फंसा के रखता हूँ। यहीं पे था पीछे गया है पीछे, ये तो है वहीं पे था। पबजी लीजो। और फाइनली यार इस जगह से हम निकलते हैं। एंड अब बारी थी भाई अब उस चाइनीज को पकड़ने की, क्योंकि भाई इस जगह में तो वो आया नहीं था। एंड अब जैसे यहाँ पे आते हैं एक गाड़ी पूरी भर के आती है, एंड इस बार तो हमारे साथ ही स्कैम हो जाता है। देखो बस क्या हुआ। बहुत अच्छा है। अरे ले ले अंदर आओ। एंड भाई ये सारे के सारे बंदे अभी मेरे से जो नॉक फिनिश हुए हैं, ये सारे के सारे वापस से रिकॉर्ड होकर फिर रेवेंज लेने आ जाते हैं। भाई मैं बोलता हूँ भाई ये क्या कर रहे हैं, एकदम इंस्टेंट फाइट लेने के लिए, पता नहीं मेरे को ही क्यों मारने के लिए आ रहे हैं सब के सब यहाँ पे। एंड 12 किल अभी थे, अब देखना अब कितने किल जाएंगे मेरे, क्योंकि ये जो बंदे थे तभी में, ये देखो ग्लेशियर वाला बंदा। एंड भाई इसने जो नॉक किया ना इतने दिन बाद, भाई मैं बोलता भाई कहाँ था इतने देर तक। अब जाके इसको पता लगेगा कि भाई ग्लेशियर से भी मारना है। खैर फटाफट से चढ़ते ऊपर एंड सामने भाई बंदे थे। हो गया मार्क द लोकेशन। एक नॉक है अब तो होंगे नहीं ना डोनेशन। अरे लग गया पड़ा उसको, लग गया हो गया डाउन डाउन। देखो मार रहा है यहाँ पे। Enemies ahead. भाई जैसे से नॉक करता हूँ इसके जो दो बंदे मैंने फिर से फिनिश किया ना, वो फिर दोनों बंदे मेरे ऊपर रश कर देते हैं। नो आइडिया क्या चलता है इनका, बट भाई इंस्टेंट एकदम रश कर रही है, मतलब क्या ही बोले। फटाफट जिनको फिनिश करते, जिनको अभी मैंने मारा था ना ये वही बंदे थे। एंड ये रिवाइव मतलब रिकॉल होके यहीं पर कूद जाते हैं हमको मारने के लिए, जैसे कि हम बहुत ईजिली मारे जाएंगे भाई। खैर इनका बंदा बताओ यार फिर कूद गया वहीं पे जहाँ पे मैंने इनको फिनिश किया था, फिर वहीं कूद गया लूटने के लिए ऐसा मैं सोचा था। लेकिन ये वो बंदे नहीं, ये मिथिक फैशन वाला वो प्लेन पे जिसका नाम आया था, ये वो बंदा है। कहाँ तक जाएंगे इनको पकड़ते हैं। अरे भाई ड्रॉप पे गए ये। अरे मारो मारो गया, सो पूरा फिनिश डालने दो। अच्छा मैथिक पेशन वाला है।
और भाई यकीन नहीं मानोगे, इनका आखिरी जो बंदा जस्ट मेरे पीछे लेटा हुआ है। एंड जैसे ही मैं रिवाइव होता हूँ, बोलता फटाफट से गाड़ी में बैठ, अंदर चलते पहले घरों में, उसका आराम से जिसको देख रहा हूँ वो देखेंगे। बट भाई ये बंदे भी एकदम एग्रेसिव वापस से रिकॉल होके मेरे पास कूद जाते हैं। मैं बोलता आज के बंदों को हो क्या गया भाई, अब भी सब के सब मेरे से ही फाइट क्यों लेना चाहते हैं, सब के सब मेरे को ही मारना चाहते हैं, एंड अब भी फिर से रिकॉल हो जाते हैं। चलो चलो चलो, ये वही है। हाँ ठीक है, तुम इनके साथ हो। अरे इधर ही है, वॉल पे बैठे हैं दोनों। अरे यार क्या कर रहे हो? बोल रहा था भाई, के लिए क्या कर रहे थे? इधर आओ इधर आओ। खैर भाई बंदों ने अच्छा खेला, बस थोड़ी बहुत जल्दीबाजी कर दी, थोड़ा लूट के आते तो भाई तब थोड़ा हो सकता था हार्ड फाइट हो इन लोगों से, बट उतना नहीं। बट अब जिस बंदे को सबसे पहले गाड़ी में फोड़ा था, अब लो भाई, अब वो बंदा मेरे को पीछे से फायर करता, एंड भाई लो अब ये बंदे ने नॉक किया। मैं बोलता और भी कोई है तो भाई सब आ जाओ, एक काम करो, जो चाइनीज बंदा जो मतलब अभी भी बचा है वो बंदा, एक्चुअली वो मार रहा भी बंदों को, मैंने काफ़ी क्लिप्स कट कर दी क्योंकि काफ़ी सारे बंदों को उसने भर चुका है। लेकिन मैं बोलता वो भी आ जा, क्यों मेरे को क्यों छोड़ा? बट अब मैं बोलता यहाँ तो रिवाइव मत दो, गाड़ी फोड़ देंगे, काम करो मेरे को उठा और अंदर ले चल, अंदर जाकर रिवाइव दे गेट के अंदर। भाई साहब बट इस बंदे को मैं बहुत गंदा मानने वाला, इसने मेरे को 2-3 बार नॉक किया है, एंड वो भी अचानक से ही, मुझे आइडिया भी नहीं लग रहा एकदम कहाँ छुपा बैठा है, और एकदम से मारना स्टार्ट हो जा रहा है। एंड अब बारी थी, पीछे एक बगी थी, बगी लेके मैं डायरेक्ट जाने वाला हूँ इस बंदे पे। इस पे था देखो, एनिमीज अहेड, कंफर्म इस पे था, लेकिन अभी पता नहीं किधर गया। हाँ हाँ जाओ जाओ, हाँ ठीक है, वही रिच के पीछे लग रहा है, कुछ तो दिख रहा है। ए यार हेड नेड कर दिया, कवर में हूँ, आ जाओ आ जाओ। अरे एक और नेट आया भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, जस्ट अभी वहां पे मैं एक बाइजन वाले बंदे को भरा, अब ये दूसरी टीम का बंदा था क्योंकि वो टीम ऑल डेड हो गई थी, तो भाई ये वहां पे कैसे पहुंचा और वहीं पे लेटा हुआ जहां पे मैंने बाइजन वाले को मारा? भाई मेरा दिमाग खराब। मैं बोलता भाई सबके सब टीम अप विमअप करके खेल रहे हो क्या भाई? मतलब ये अलग टीम का था, वो अलग टीम का। खैर अब ये देखो, ये भी भरा, मतलब भरे जा रहा बंदों को, एंड बारी थी अभी जो चाइनीज बंदा बहुत देर से चमका रहा था पीछे, एंड अब बारी थी उसको भरने की। लेकिन यहाँ पे ना एक बंदा हमारी जो ग्लेशियर क्रेट जो मैंने बना रखी थी, उसको पता नहीं वो ग्लेशियर क्रेट अच्छी लगने लगी, वो बंदा आता है ग्लेशियर की क्रेट लूटने क्योंकि उसको अच्छी लग रही होगी शायद से, और वो बंदा भगते भगते अचानक से आके लेट जाता है उस जगह पे, लूट रहा है ग्लेशियर की पेटी पे, कन्फर्म। हाँ पक्का, दूसरी वाली पेटी पे मारो, पीछे वाली वो देखो। भाई साहब क्या ही मतलब बंदा आया ग्लेशियर की क्रेट लूटने, लेकिन वहां पे 2 क्रेट थी ग्लेशियर की, अब तीसरी भी बन गई उसके चक्कर में। मतलब कि क्या ही बोले, मतलब इतना हवा कुछ है पता ही नहीं है। खैर सामने बहुत ही गलत फाइट होती है एक ड्रॉप के चक्कर में, एंड ये बंदा ग्लेशियर वाले थे। रिवाइव देने लगा, अरे यही तो थे चमका रहे थे जो, मर गया भाई ग्लेशियर वाला। अब भाई जिसने मेरे को ये फायर दिया ना आखिरी में MG3 से, ये बंदा चाइनीज था, एंड भाई इस बंदे ने ना पूरी लॉबी खत्म कर रखी थी। अब बारी थी इससे ही पंगा लेने की, लेकिन भाई निकलना उससे पहले जरूरी था क्योंकि हम जोन के बाहर हो गए हैं, एंड अब जोन में कहाँ ही मेरे को जगह मिलेगा मुझे ये समझ नहीं आता क्योंकि सब लोग जोन में बैठे हैं, एंड अभी भी भाई बहुत बंदे हैं, एंड इन तीनों को कैसे स्पॉट करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। उनमें से एक चाइनीज़ बंदा था जो बचा हुआ था, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब जाए तो जाए किधर, तो ऐसी वैसी गाड़ी घुमा के मैं घर तक पहुँच जाता हूँ, लेकिन वो घर भी जोन में नहीं। तो
बग्गी के ऊपर बंदा है, बग्गी के ऊपर देखो वहां पे, और ऊपर वाले बुश पे उधर ही बंदा देखा था। वो बंदा मारेगा देखना, वहीं पे था। पता नहीं ग्लिच हो रहा था वो उसके जो। वो आ गया आ गया, उसको नॉक डाल दो। अरे देख लिया, एक ही बंदा बचा है। आएगा जोन में आएगा, वो आ रहा है, वो देखो ऊपर से, ऊपर से। भाई फाइनली आखिरी वाला जो बंदा बचा था, आखिरी में आके हमारे साथ ही फाइट होती है, और इसने काफी सारे इंडियन बंदों को भरा था। एंड जब मेरे साथ फाइट हुई तो भाई आखिरकार इसे मैंने भरी दिया, और देखो कितने शांति से जोन के एजिस पे लेटा हुआ था। मतलब इन लोगों में दिमाग अलग ही लेवल का होता है भाई, शांत शांत खेलते खेलते पूरी लॉबी खाली कर देते हैं, जैसे तो मतलब इनको जीतना ही होता है। बट फाइनली चिकन डिनर हमें, तो भाई फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।